तो दोस्तों, जहां एक तरफ सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन शानदार कमाई की और दूसरे दिन भी फिल्म के कलेक्शन पूरी तरह से लाजवाब है, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के मास महाराजा अजय देवगन की फिल्म मैदान, जिसकी तारीफें पूरी दुनिया भर में हो रही है और इस फिल्म ने भी दो दिनों में दुनिया भर से कर ली है शानदार कमाई। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे बड़े मियां छोटे मियां और मैदान के दो दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और आपको बताएंगे इन दोनों ही फिल्मों ने दुनिया भर से कितने करोड़ रुपए कमा लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि बड़े मियां छोटे मियां और मैदान में आपको कौन सी फिल्म सबसे बेस्ट लगी। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें अमित शर्मा के डायरेक्शन में बनी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म मैदान के बारे में, जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं सुपरस्टार अजय देवगन और उनके साथ में है प्रिया मणि, गजराज राव। 150 करोड़ के बजट में बनी फिल्म मैदान सिनेमाघरों में पूरी तरह से छा चुकी है। जो लोग इस फिल्म को देखकर आ रहा है, हर कोई अजय देवगन का दीवाना हो चुका है और सबका कहना है कि यह फिल्म अजय देवगन के करियर की अब तक की बेस्ट फिल्म है। तो दोस्तों, पब्लिक का फिल्म को सपोर्ट तो जबरदस्त मिला है, लेकिन फिल्म का जो फर्स्ट डे कलेक्शन है वो हम सबकी उम्मीदों से थोड़ा कम रहा। जी हां दोस्तों, अगर बात करें मैदान के दो दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म ऑफिशियली तो कल यानी कि 11 अप्रैल को रिलीज हुई थी, लेकिन 10 अप्रैल को इस फिल्म के पेड प्रीव्यू शोज रखे गए थे, जहां से फिल्म ने पेड प्रीव्यू में इंडिया नेट कलेक्शन 2,80,00,000 रुपए का किया था। वही दोस्तों, रिलीज होते ही फिल्म का जो फर्स्ट डे का इंडिया कलेक्शन है वो 6,50,00,000 रुपए के रेंज में रहा। लेकिन दोस्तों, बात करें इस फिल्म के आज यानी कि सेकंड डे के कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म को जो आज ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है वो पहले दिन के मुकाबले थोड़ी ड्रॉप हो चुकी है और जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक मैदान फिल्म अपने दूसरे दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 5,50,00,000 रुपए। और इसी के साथ दोस्तों, मैदान का शुरुआती दो दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 14,80,00,000 रुपए का हो चुका है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 17,60,00,000 रुपए। बता दें दोस्तों, फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से अब तक ग्रोस कलेक्शन किया है 6,90,00,000 रुपए का। और इसी के साथ मैदान का शुरुआती दो दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 24,50,00,000 रुपए का हो चुका है। जी हां दोस्तों, फिल्म दो दिनों में दुनिया भर से टोटल कमाई 24,50,00,000 रुपए की कर चुकी है। लेकिन दोस्तों, अब अगर बात करें बॉलीवुड के रियल खिलाड़ी और एक्शन किंग अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के बारे में, अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर आज हो चुके हैं दो दिन। लगभग 300 करोड़ के बजट में बनी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां को भी पब्लिक की तरफ से पूरी तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और जो जो ऑडियंस इस फिल्म को देखकर आई, सबका कहना है कि फिल्म में जबरदस्त एक्शन है, शानदार कहानी और फिल्म में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने पूरी तरह से धमाका कर दिया है। तो दोस्तों, फिल्म को पब्लिक की तरफ से तो काफी अच्छे रिस्पॉन्स और रिव्यूज मिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस फिल्म की पेड नेगेटिविटी हो रही है और बहुत सारे चिंदी यूट्यूबर्स और बहुत सारे सस्ते क्रिटिक्स इस फिल्म की जानबूझकर बुराई कर रहे हैं, जबकि ऑडियंस इस फिल्म को पसंद कर चुकी है। तो यहां पर लोगों को समझने की जरूरत है कि यूट्यूब पर कुछ ऐसे सस्ते क्रिटिक्स बैठे हैं जो कि फिल्म की जबरदस्ती बुराई कर रहे हैं, तो उन लोगों को इग्नोर मारो। और अगर अभी तक भी आपने बड़े मियां छोटे मियां फिल्म नहीं देखी, तो दोस्तों मैं इस फिल्म को देखकर आया हूं और यकीन मानिए कि यह फिल्म वाकई में जबरदस्त है, जिस फिल्म के अंदर आपको हॉलीवुड लेवल का एक्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप सब कहते हो कि बॉलीवुड अच्छी एक्शन फिल्में नहीं बनाता, तो यहां पर बॉलीवुड में इस बार बड़े मियां छोटे मियां सच में एक शानदार एक्शन फिल्म बनकर आई है, तो ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करना तो बनता है। तो आप भी जाइए और इस फिल्म को जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म आपका सपोर्ट और आपका टाइम डिजर्व करती है। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि ईद के दिन जहां बड़े मियां छोटे मियां और मैदान दो फिल्में एक साथ रिलीज हुई थी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि मैदान के मुकाबले यहां पर बड़े मियां छोटे मियां ने बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा कमाई की है। दोस्तों, अगर बात की जाए बड़े मियां छोटे मियां के दो दिनों के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 17,35,00,000 रुपए का किया। अब दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को जब फर्स्ट डे रिलीज किया गया था, तो फिल्म के मॉर्निंग वाले शोज बहुत सारी जगह पर लेट शुरू हुए, जिसके चलते ही फिल्म के कलेक्शन में पहले दिन जितनी ज़्यादा उम्मीदें थी उतना ज़्यादा कलेक्शन नहीं आया। लेकिन फिर भी एक तरह से देखे जाए तो फिल्म की जो ओपनिंग है वो काफ़ी ठीक ठाक रही। अब दोस्तों, पहले दिन तो ईद थी जिसके चलते फिल्म को अच्छी खासी ओपनिंग मिल गई, लेकिन दूसरे दिन एक नॉर्मल डे है जिसके चलते इसके कलेक्शन में थोड़ा सा ड्रॉप आ चुका है और बड़े मियां छोटे मियां
कन्हैया अपने सेकंड डे इंडिया नेट कलेक्शन 13,50,00,000 रुपए का कर रही है और इसी के साथ बड़े मियां छोटे मियां का शुरुआती दो दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 30,85,00,000 रुपए का हो रहा है तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 36,71,00,000 रुपए। बता दो दोस्तों, फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 9,42,00,000 रुपए की कमाई की है। इसी के साथ दोस्तों बड़े मियां छोटे मियां का शुरुआती दो दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो रहा है 46,13,00,000 रुपए। तो दो दिनों में तो फिल्म की कमाई काफी बढ़िया है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि कल है सैटरडे यानी कि हाफ हॉलीडे और परसों है संडे, तो आने वाले दो दिनों में इस फिल्म के कलेक्शन में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा और इतना कन्फर्म है कि ये फिल्म लोगों को पसंद आ चुकी है और फिल्म वाकई में अच्छी है तो ये मूवी आने वाले 2-3 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई करती रहेगी और ये मूवी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के करियर की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन सकती है। बाकी दोस्तों, अगर आपने बड़े मियां छोटे मियां और मैदान दोनों ही फिल्में देखी तो आपको बेस्ट फिल्म कौन सी लगी, मैदान या फिर बड़े मियां छोटे मियां? अपने पसंद की फिल्म का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियोस देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।